हो गया स्टार्ट। चलो, नई नई बिल्डिंग में नए नए स्मार्ट बोर्ड के ऊपर स्वागत है सभी का। चलो देखिए, थ्योरम 9.1 भाई, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये थ्योरम है 9.1 और इसका हमने प्रूफ करना है। ठीक है, इसने कहा कि दो पैरेललोग्राम हैं, उन पैरेललोग्राम का जो दोनों के दोनों जो पैरेललोग्राम हैं वो सेम बेस के ऊपर हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में वो क्या कर रही है, लाई कर रही है। हमने प्रूफ करना है कि उनका एरिया जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पैरेललोग्राम बना ली, मतलब कुछ दो पैरेललोग्राम है हमारे पास और दोनों के दोनों क्या है, एक पैरेललोग्राम मैंने ये ले ली, ठीक है, एक और ले लेते हैं भाई कुछ ऐसे करके, फ्री का पाउडर लग रहा है ना, चलो चला लेंगे काम, कोई नहीं। देखो नाम दे दिया हमने भाई, इस पैरेललोग्राम को नाम दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है, और एक है हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं ई और ये क्या है, एफ। ठीक है, तो हमने प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि कहाँ से उठा के लेके आया भाई, चौक बिल्कुल गिल्ले हैं, हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई डी सी और एफ। बात समझ में आई, ठीक है, इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, ये बात हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, तो ये चीज प्रूफ करने के लिए मैं एक तो जो ये वाली ट्रायंगल है ये ले लेता हूं और एक जो ये वाली ट्रायंगल है ये ले लेता हूं, इनमें देखता हूं कि क्या निकल के आता है हमारे पास। आवाज ना करो भाई पेन से। तो मैंने क्या लिया प्रूफ में, प्रूफ मैंने लिया इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले ली, ए ई डी ले ली और एक ट्रायंगल ले लेता हूं बी सी एफ। ठीक है, इनमें सिमिलैरिटी मैंने देखी क्या क्या है, इन ट्रायंगल में मैंने देखा कि ये एंगल ए इस एंगल बी के बराबर है या नहीं है, क्यों है बराबर, क्योंकि ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, पैरेललोग्राम है ये बी सी डी, तो ए बी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल बी के, कौन से एंगल हो गए एंगल ए बराबर है एंगल बी, कौन से एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है ना, संगत कोण लिखते हैं हिंदी में, बात समझ में आई या नहीं आई। इसी प्रकार जो ई डी है वो पैरेलल है एफ सी के, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, ई एफ क्या होगी, एक ट्रांसवर्सल होगी, होगी या नहीं होगी, तो इसका मतलब ये एंगल हमारा किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा बोलो, ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल ई बराबर है किसके, एंगल एफ, ये भी कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, और जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ जाए तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल क्या हो जाता है, अपने आप इक्वल हो जाता है, तो इसका मतलब एंगल डी जो है हमारा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी के, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल डी बराबर हो गया किसके, एंगल सी के, इसको आप लिख दें एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख दें, बात समझ में आ रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख दिया, बोले यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हमने लिखा कि जो ए डी है, ए डी है वो बराबर है हमारा, ए डी बराबर है बी सी के, क्यों, अपोजिट साइड
ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम भाई, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो भाई। तो इसका मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ए डी ई, ए डी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके भाई, ए डी ई बराबर है किसके, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, बी सी और एफ के, किस नियम से, एंगल साइड एंगल, दो कोण और उनके बीच की साइड, दो एंगल कौन से, ए बराबर बी, डी बराबर सी और बीच की साइड। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई। तो इसका मतलब जो दो चीजें कॉन्ग्रुएंट होती है, कॉन्ग्रुएंट का रूल क्या कहता है, अगर मान लिया इसके कॉन्ग्रुएंट कोई और चीज है तो इसका मतलब उसको मैं अगर इसके ऊपर रखूं तो इस पूरे को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, कवर कर लेगी, तो इसका जितना एरिया उतना उसका एरिया होगा। मतलब दो जो चीज कॉन्ग्रुएंट होती है उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ए डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ के, होगा या नहीं होगा बोलो, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ दिया, यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिखता हूं देखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया देखो क्या कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई बी सी और डी, बोलो हाँ या ना। फिगर में देखो क्या इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मैं इस हिस्से में और इस हिस्से में दो हिस्सों में तोड़कर प्लस कर सकता हूं क्या, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये एरिया ए डी ई किसके बराबर है, बी सी एफ, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ और प्लस में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बोलो भाई। रीजन में लिख दे यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का यूज करने पर, बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। अब हमने क्या किया, अगर मैं इसको और इसको दोनों को जोड़ दूं तो क्या बनेगा बताना, ई एफ सी और डी बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो। तो ये बन जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी और डी, बोलो। और यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, तो हैंस वेरीफाई द रिजल्ट, कर लोगे, बोलो समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो ये थी हमारी थ्योरम कौन सी, 9.1। एक्सरसाइज 9.2 निकाल लीजिए, अब निकालो एक्सरसाइज 9.2। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का। इसने कहा कि इन फिगर 9.15 ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ए ई जो है वो परपेंडिकुलर डी सी के ऊपर है एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए डी के ऊपर है। इफ ए बी, अगर ए बी 16 है और ए ई 8 है, अगर सी एफ 10 है तो ए डी की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो किसकी वैल्यू बतानी है, ए डी की वैल्यू क्या होगी। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। उसने कहा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हमें दे रखी है, तो ए बी सी डी क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो गिवन कंडीशन तो यही होगी, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एक तो ये चीज दे रखी है। उसने कहा
कि ए ई परपेंडिकुलर है डी सी के ऊपर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है उसने जिसका नाम क्या है ए ई है, और उसने कहा कि यहां से भी एक परपेंडिकुलर उसने ड्रा कर रखा है इसके ऊपर जिसका नाम क्या है एफ है। तो गिवन कंडीशन है हमारे पास ए ई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर डी सी के ऊपर, एंड एफ सी ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर भाई ए डी के ऊपर। बात समझ में आई? ठीक है, प्रूफ क्या करना निकालना क्या है हमने, और गिवन कंडीशन क्या ए बी दे रखा है, ए बी कितना है 16, ए ई कितना है 8 दे रखा है, एफ सी है 10 दे रखा है, और निकालना क्या है ए डी, ये ए डी क्या होगा ये चीज हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। बोलो यही है ना, तो जो चीज निकालनी है वो भी आप लिखिए, टू फाइंड क्या है ए डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों बस एक बात आप ये बता दो, एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं, क्या होता है बेस इनटू हाइट। अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो 1/2 बेस इनटू हाइट, अगर पैरेललोग्राम है तो बेस इनटू हाइट आएगा, ओनली 1/2 नहीं आएगा। तो देखो ध्यान दीजिए, मेरे पास एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, और उस पैरेललोग्राम के मेरे पास दो जगह उसकी हाइट मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, बेस में कहीं से भी ले सकता हूं। तो देखो निकालने के लिए हम करेंगे क्या सॉल्यूशन भाई, हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कैसे निकाल सकता हूं, एक तो मैं निकाल सकता हूं 1/2 बेस डी सी और मल्टीप्लाई में हाइट ए ई। बोलो भाई निकाल सकता हूं या नहीं, बेस क्या है डी सी है और हाइट क्या है ए ई है, निकाल सकते हैं ऐसे। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि समीकरण नंबर एक, उसके बाद इसी को मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और बताओ कैसे लिख सकता हूं, बेस थोड़ी देर के लिए मैं ए डी कह देता हूं और हाइट क्या हो जाएगी एफ सी, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो बेस को मैंने कह दिया ए डी और हाइट क्या होगी इसकी एफ सी। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर है ये बात, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया है, इक्वेशन नंबर सेकंड में भी पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया है, क्योंकि जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी बराबर होगी। क्या लिखोगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक व दो से क्या लिख सकता हूं मैं कि डी सी मल्टीप्लाई ए ई इक्वल होगा ए डी मल्टीप्लाई में एफ सी। बोलो भाई ठीक है, अब जिस चीज की वैल्यू आपको दे रखी हो वो लिख दो, अगर ए बी 16 है तो डी सी भी 16 होगा या नहीं होगा, क्यों होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये हो गया 16, ए ई कितना है 8 है तो 8 लिख दिया, ए डी निकालना है तो ए डी की जगह ए डी रहने दो, एफ सी की वैल्यू 10 है तो 10 लिख दी। बोलो भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 8 से गुणा कर दो कितना हो गया 48, 4, 128, 10 कहाँ जाएगा डिवाइड में आ गया, इक्वल टू ए डी रह गया, वन डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो इक्वल टू ए डी, और ए डी की वैल्यू निकल गई कितनी 12.8। आंसर चेक करें ये है या नहीं है, एक बच्चा आंसर निकाल लिया करे पहले ही। बोलो मैच हो गया, समझ में आ गया, कहीं से कुछ भी पूछना है अगर जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो तुरंत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितने क्वेश्चन चाहो उतने क्वेश्चन कर लिया करो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस शर्त ये है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान दें, पढ़िए एक बार स्टेटमेंट और बताइए क्या निकालना है क्या नहीं निकालना। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने कहा इफ ई एफ जी एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, तो इसने कहा है शो दैट कि एरिया ई एफ जी एच वो हाफ होगा एरिया ए बी सी डी का,
ठीक है, कंडीशन क्या दे रखी है बस ये बता दो पहले तो, ए बी सी डी क्या दे रखी है, पैरेललोग्राम दे रखी है, उसके मिड पॉइंट उसके मध्य बिंदु ई एफ जी एच दे रखे हैं, उनसे जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनेगी उसका एरिया हाफ होगा, किसका हाफ होगा, जो हमारे पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी है उसका, यही बात है ना। चलो तो देखो ध्यान दीजिए, एक पैरेललोग्राम मैंने बनाई और पैरेललोग्राम को मैंने नाम दे दिया क्या, ए बी सी और डी, ठीक है। जब फिगर ना दे रखी हो तो माइंड में फिगर बना लिया करो और सोल्व करना स्टार्ट कर दिया करो। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखी है भाई, ए बी का मिड पॉइंट ई मान लिया मैंने, बी सी का मिड पॉइंट एफ मान लिया, यही दे रखा क्या मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसका मिड पॉइंट क्या मान लिया, जी मान लिया, और इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। इनको मिलाने से, इनको मिलाने से एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, बन रही है नहीं बन रही है, बोलो भाई। तो टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि एरिया, एरिया ऑफ किसका भाई, एच या ई से स्टार्ट कर लेते हैं, ई एफ जी एच हाफ होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी, बोलो यही बात प्रूफ करनी है, ठीक है। हमें पता है कि एच जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, जरा सी छोटी सी कंस्ट्रक्शन करता हूं, क्या किया कंस्ट्रक्शन में हमने, ज्वाइन ज्वाइन एच टू एफ, एच को किससे मिला दिया, एफ से मिला दिया, तो एच को मैंने एफ से मिला दिया, ठीक है। तो सीधी सी बात है हमारे पास एच एफ क्या होगी, पैरेलल होगी या नहीं होगी डीसी के, क्योंकि मिड पॉइंट से है, मिड पॉइंट से है, तो इसका मतलब जितनी दूरी ये है इतनी दूरी ये है, जितनी दूरी ऊपर है इतनी दूरी ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, क्या है गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि जो ए बी है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, डीसी के। अगर ए बी पैरेलल डीसी है तो ए डी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है या नहीं है, और ए बी का मिड पॉइंट एच, बीसी का मिड पॉइंट एफ, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, होगी या नहीं होगी, अरे बोलो भाई। तो इसका मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए एच बराबर है किसके बराबर है, बी एफ के, है या नहीं है, ठीक है। मैं लिख सकता हूं कि जो एच एफ है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। मैं लिख सकता हूं कि जो एच एफ है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, डी सी के भी पैरेलल है। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई। ये सीखा को समझ में नहीं आया, बोलो कहां से समझ में नहीं आया, कहीं से समझ में नहीं आया, दोबारा से देखो एक बार। अपोजिट साइड मेरे पास ए बी बराबर सी डी है या नहीं है ये बता दे, क्या ए बी पैरेलल सी डी है या नहीं है, क्योंकि ए बी सी डी क्या दे रखी है, ए बी सी डी क्या है, क्या है, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। साइड पैरेलल कब होती है, जब उनके बीच की दूरी क्या हो, इक्वल हो, या यूं भी कह दे कोई दिक्कत नहीं है, पैरेललोग्राम है तो ए डी बराबर क्या है, बी सी है या नहीं है। उन्होंने खुद दे रखे कि ये इनके मिड पॉइंट है, एच किसका मिड पॉइंट है, ए डी का, एफ किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। तो एक बात बता दो, मैं ए एच निकालना चाहता हूं, क्या इसको मैं ये लिखूंगा 1/2 ए डी, बोलो, क्योंकि याद है। मैं निकालना चाहता हूं बी एफ, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं 1/2 बी सी, बोलो। लेकिन ए डी और बी सी के आपस में बराबर है, तो इस बी सी की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं। अब ये भी 1/2 ए डी है, ये भी 1/2 ए डी हो जाएगा, तो ए एच किसके बराबर आ गया बताना, बी एफ के, आ गया नहीं आ गया, ऐसे लिख लो, इसमें क्या दिक्कत है, बोलो, क्लियर है। तो इसका मतलब बात क्या हो जाएगी यहां से, कि एच एफ हमारे पास क्या आ गया, एच एफ हमारे पास पैरेलल आ गया ए बी के, और एच एफ हमारे पास इक्वल भी आ जाएगा किसके, ए बी के, ठीक है। हमारे पास ये इसके बराबर है, तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं कि ए बी, ए बी एफ एच क्या है, एक पैरेललोग्राम। बात समझ में आई या नहीं आई,
ठीक है। अब हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, आपने पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बन रही है इसके अंदर, एच ई एफ, हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, किस पैरेललोग्राम के, ए बी एफ और एच। अगर मान लिया, पढ़ी है ये थ्योरम, अगर मान लिया हमारे पास ये कोई भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसके सेम बेस के ऊपर और उसी के सेम बेस के ऊपर और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हमारे पास क्या हो, सेम पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल हो, तो उस ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है। क्लियर ये बात, तो ये हो गया हमारे पास, यहां तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। सिमिलरली इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे वाली ट्रायंगल एच जी एफ, ये बता दो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वन बाय टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम भाई, एच एफ सी और डी, इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐड कर दो दोनों को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक व दो को जोड़ने पर क्या हो गया, एक है मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ, दो है मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एच जी एफ, और इन दोनों में से कॉमन आ गया 1/2, कितना रह गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ एच, प्लस में हो गया एरिया ऑफ किसके भाई, एच एफ सी डी। अब दोनों को जोड़ के मेरे को ये बता दो राइट हैंड साइड में क्या लिखूं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूं। अगर इस ट्रायंगल में ऊपर वाली में नीचे वाली जोड़ता हूं तो ये पूरी होगी या नहीं होगी ये बता दो, हो जाएगी, तो ये होगी मेरे पास एरिया ऑफ क्या, ई एफ जी एच होगी या नहीं होगी, इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो गया ये बता दूं, ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। और प्यारे विद्यार्थियों ये बता दो, ये प्रूफ करना था या नहीं करना था, हाँ जी, इस क्लास के बाद चले जाएंगे, ठीक है, कर लोगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, हो जाएगा क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ो थर्ड की स्टेटमेंट, देखो क्या कहा है, पी एंड क्यू आर एनी पॉइंट लाइंग ऑन साइड डी सी एंड ए डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम है मेरे पास जिसका नाम है ए बी सी डी, उसकी साइड DC पर पॉइंट P लाई करता है, AD पर पॉइंट Q लाई करता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमानुसार। तो उसने कहा शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई, फिगर बनाओगे फिगर बनाते ही समझ में आ जाएगा करना क्या है। देखो इसने कहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, तो एक पैरेललोग्राम हमने बना ली भाई जिसका नाम क्या है ए बी सी और डी, ए बी सी डी क्या है एक पैरेललोग्राम है। तो उसने कहा पी पॉइंट डी सी के ऊपर लाई कर रहा है, यहां पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, उसने कहा क्यू पॉइंट ए डी के ऊपर लाई कर रहा है, यहां पर कोई पॉइंट क्यू है। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या भाई, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ए पी बी, दिखाई दे रही है ए पी बी, कहाँ दिखाई दे रही है, कौन बोल रहा है सर, कहाँ है ए पी बी, हाँ तो बनाए ये ए पी बी, तो ए पी और बी यही होगी, बोलो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बी क्यू सी,
बी क्यू सी। बी कहां पर है, ये रहा। क्यू कहां पर है, ये रहा। सी कहां पर है, ये रहा। तो बी को मिला दो क्यू से और सी से भी मिला दो तो क्या होगी, बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। चलो भाई अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। प्रूफ सोचो कैसे करोगे, ए पी बी को पहले उठा लेते हैं, हम लिखेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल ए पी बी लाई ऑन सेम बेस। भाई सेम बेस कौन सा, सेम बेस ए बी एंड सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन कौन सी, पैरेलल लाइन कौन सी भाई, ए बी एंड, ए बी एंड डीसी ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। हाँ या ना, बोलो भाई। तो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हाँ या ना, बोलो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमिलरली ट्रायंगल बी क्यू सी लाई ऑन सेम बेस बी सी एंड सेम पैरेलल लाइन बी सी एंड ए डी ओ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली, इसको तो मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली और क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी, बी क्यू सी हाफ है किसका भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसका, चाहे मैं बी सी डी ए लिख लूं या मैं उसको ए से स्टार्ट कर लूं, मेरी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, आनी तो वही पैरेललोग्राम है। तो मैंने लिख दिया क्या, ए बी सी डी। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बोलो। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। एक और दो की राइट हैंड साइड देखो इक्वल है, तो हम लिखेंगे क्या, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक व दो से। एक को मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए पी बी बराबर हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, बी क्यू सी, यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव। कर लोगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये सोल्व। हाँ भाई कौन था सा क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ देखिए, इन फिगर 9.16 आकृति 9.16 में P इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। P जो पॉइंट है वो ए बी सी डी के कहां पर है, इंटीरियर में है, अंदरूनी में दिखाई दे ही रहा है आपको। शो दैट, सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ए पी बी प्लस में एरिया ऑफ पी सी डी बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, और इसी प्रकार इन दो ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होगा, पहले वाली दो ट्रायंगल के सम के बराबर होगा। मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन भी नहीं हो सकता, सोचो एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व होगा, स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। देखो क्या कहा इसने, ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखी है भाई, तो एक पैरेललोग्राम हमने बना ली, नाम है जिसका ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। यहां पर एक पॉइंट पी है भाई, उसके इंटीरियर में पी को उसने ए से मिला रखा है, पी को उसने डी से मिला रखा है, पी को बी से मिला रखा है, पी को सी से मिला रखा है, ठीक है। टू प्रूव दैट हमने दो बातें प्रूफ करनी है, टू प्रूव दैट हमने दो चीजें प्रूफ करनी है, क्या दो चीजें प्रूफ करनी है बताना, क्या भाई, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। बोलो, एक तो ये चीज प्रूफ करनी है, बोलो भाई, हाफ, ओके ठीक है। और क्या प्रूफ करना है, पहली बात तो ये, दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी, ए पी डी, बोलो
डी पी सी वाह छोरी बहुत आगे जाओगी ये लड़की। कौन से गांव से आती है? करसोड़ा से। अगर मैं जुलाना से सीधा करसोड़ा चला जाऊं तो करसोड़ा ही आएगा ना, और जींद से करसोड़ा आ जाऊं तो भी करसोड़ा ही आएगा है, उसी गांव में अगर मेरे को जाना है। या ऐसा तो नहीं है जींद से आऊंगा तो करसोड़ा का नाम बदल के कुछ और हो जाएगा, गांव तो वही रहेगा। तो इसमें भी बस बेटा यही है, ठीक है। हाँ भाई बच्चों बताना, कुछ गलत तो नहीं लिखा है मैंने? चार दिन में नहीं दिन एक बात बताई थी, राजी होगी दिले भाई, आज तो मास्टर फंस गया है, हैं आज तो गलती पा गई है। आए निधि, निधि नाम है ना बेटा आपका, है ना? चलो चलो देखो, कोई बात नहीं, हो जाती छोटी मोटी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है। हमारे पास है ए पी बी, ए पी और बी ऊपर वाले ये ट्रायंगल है बेटा, और हमारे पास है डी पी सी, तो डी पी सी नीचे वाला ट्रायंगल ये है, इन दोनों को जोड़ दे तो इनका एरिया क्या होगा? हाफ होगा। ये बता दो कैसे करूं पहले वाली बात के लिए। हाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं एक छोटी सी, क्या करें कंस्ट्रक्शन, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ठीक है ना, किसी एक के पैरेलल मान लो, इसको ए बी सी डी, इसको नाम दे दिया है ई एफ, कि जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके पैरेलल है, ए बी के। अगर ये ए बी के पैरेलल है तो ई एफ किसके भी पैरेलल हो जाएगा, बोलो डी सी के भी पैरेलल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। अगर ये सारी की सारी बातें हैं तो ए ए बी एफ सी, ए बी एफ ई क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए पी बी, हाफ होगा एरिया ऑफ ए बी एफ ई, बोलो हाँ या ना भाई, कर सकते हैं ऐसा? इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं लिख सकता हूं नीचे वाली ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी, डी पी सी हाफ होगा किसके भाई, एरिया ऑफ नीचे वाली ई एफ सी डी, हो गया या नहीं होगा बोलो, ई एफ सी डी, समीकरण नंबर दो इक्वेशन सेकंड, बोलो यहां से कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं है। ऐड कर दिया भाई, एडिंग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक व दो को जोड़ने पर क्या हो गया बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी हाफ आ गया कॉमन, एरिया ऑफ ए बी एफ और ई है ना, प्लस में क्या हो जाएगा बोलो, एरिया ऑफ ई एफ सी डी, बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? ऊपर वाली को और नीचे वाली को जोड़ दो तो क्या हो गया बोलो, एरिया ऑफ किसके बराबर हो गया, अरे बोलो ए बी सी डी हो गया नहीं हो गया? yes, तो पहली चीज का आ गया प्रूफ। yes, अब सेकंड के प्रूफ के लिए क्या करोगे बोलो, सेकंड के प्रूफ के लिए इसको तो मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड, सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली इसी प्रकार अगर मान लिया मैं यहां से एक और पैरेलल लाइन ड्रा कर देता हूं, कुछ ऐसी पैरेलल लाइन, नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो जी एच जो है वो पैरेलल है किसके पैरेलल है, ए डी के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट बताओ भाई, मेरे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी, ए पी डी प्लस में क्या हो जाएगा बोलना, प्लस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी, बी पी सी बराबर होगा एरिया ऑफ किसके, ए बी सी डी, हो गया या नहीं होगा ऐसे ही, अरे बोलो इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, फोर आ गई,
बात समझ में आई या नहीं आई? दोनों की राइट हैंड साइड क्या है? तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? कर लोगे? चलो भाई जाओ जिसने डांस करना है, तो यहां तक कर लेना बेटा।